आज मैंने एक कहानी पढ़ी और हमेशा की तरह मुझे अच्छी भी लगी। कहानी कुछ यूं है कि एक चोर एक जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में उसको एक साधु महात्मा मिले। चोर ने उनसे आशीर्वाद लिया और बोला कि महाराज मैं बहुत परेशान हूं, कृपया मेरा उद्धार कर दीजिए। महाराज मुस्कुराए और बोले कि बेटा तुम बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हो, पर तुम चाहो अगर तो मैं तुम्हारी एक बुरी आदत छुड़वा सकता हूं, और अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। चोर सोच में पड़ गया कि मैं क्या बोलूं, कौन सी आदत छोड़ूं, क्योंकि अगर मैं चोरी छोड़ने के लिए बोलता हूं तो मेरा घर कैसे चलेगा, क्योंकि इससे ही मेरा घर चलता है। चोर ने काफी सोच विचारने के बाद बोला कि महाराज मैं झूठ बहुत बोलता हूं, मेरी झूठ बोलने की आदत आप छुड़वा दीजिए। महाराज मुस्कुराए और बोले तथास्तु और चले गए। अब कुछ दिन बाद चोर रात में चोरी करने के लिए निकला। रास्ते में उसको एक आदमी मिला। उसने चोर से पूछा कि तुम कौन हो, कहां रहते हो और क्या करने जा रहे हो। चोर ने अपना नाम बताया, अपना पता बताया और बोला कि मैं राजमहल में चोरी करने जा रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा चलो दोनों मिलकर चोरी करते हैं, मैं भी चोर हूं। दोनों गए। उन्होंने राजमहल में जहां भी खजाना रखा हुआ था वहां से सारा सामान समेटा। उनकी नजर तीन बहुत ही कीमती हीरों पर पड़ी। तो चोर बोला कि हम इसका बंटवारा करते हैं, एक तुम रखो, एक मैं रखता हूं, और एक इस राज्य के राजा के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने उसका सब कुछ लूट लिया। जो दूसरा चोर था वो मुस्कुराने लगा और बोला कि जो तुम्हें ठीक लगे सो करो, अब चलो यहां से। दोनों वहां से निकल लिए। अगले दिन हंगामा हो गया पूरे राज्य में कि राजमहल में चोरी हो गई। राजा ने अपने दरबार में अपने मंत्री से कहा कि जाओ देख कर आओ कि क्या बचा है और क्या गया। मंत्री वहां गए और बोले राजा से लौट के आके कि वहां अब कुछ नहीं बचा, चोर सब साफ करके चले आए। राजा मुस्कुराने लगा। राजा ने अपने सिपाहियों से बोला कि मैं जानता हूं किसने चोरी की है, उसका नाम ये है, वो यहां रहता है, जाओ उसको पकड़ के ले आओ। सिपाही गए और उसको पकड़ के ले आए। अब जब वो राज दरबार में वो चोर पहुंचा तो राजा को देखकर चौंक गया, क्योंकि कल रात में जिस इंसान से वो मिला था वो राजा था। उसने हाथ जोड़े माफी मांगी। राजा बोले कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं तुम्हें माफ करता हूं, और अपने राज दरबार में मैं तुम्हें एक पोजीशन देता हूं। सब भौचक्के रह गए कि हो क्या रहा है। तब राजा ने तुरंत आदेश दिया कि इस मंत्री को गिरफ्तार करो, क्योंकि चोर से बड़ा पापी ये है। एवरीबडी वॉज शॉक्ड। राजा ने कल की पूरी कहानी सबको समझाई और मंत्री को जेल भेज दिया। कहानी तो बस इतनी सी थी, पर इसका सबक बहुत बड़ा है। सबक यह है कि अगर आप सच बोलते हैं तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। लगेगा कि अभी नुकसान हो रहा है, पर अंततः आप हमेशा सुखी ही रहेंगे। और दूसरा एक सवाल है कि हमारे आसपास राजा कौन है, चोर कौन है और वो मंत्री कौन है, ये आप बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैं सुनने के लिए। नमस्कार।